गांव की आराध्या देवी। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है मनु नेगी, आपके और हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको टाइटल और थंबनेल से समझ गए होंगे ये वीडियो किस पर्पज पे है। तो दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो है हमारे माता कालिंका के ऊपर। तो आपको एक चीज़ और थोड़ा नॉलेज देगी देवी, तो आपको सात गाँव गिना देता हूँ। सात गाँव इसलिए हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पनाई है तो यहाँ पनाई एक है, पर मूल्य पनाई और मल्ली पनाई तो ये हो गए। ऐसे सेल में भी हैं चार, ये हो गए रावलगर में भी आपका ऐसे ही है, ठीक है, छः हो गए बचा एक, तो वो है आपका बंदरगांव। तो ये है माता कालिंका सात गांव की। तो यहाँ पे जो सात गांव के लोग होते हैं ये माता कालिंका को बुलावा देते हैं। रावलनगर हो गया, पनाई हो गया, बंदरखंड हो गया, तो ये माता कालिंका जी को बुलावा देते हैं, मतलब अपने मायके बुलाते हैं। पनाई माता कालिंका का मायका हो गया, सूर्यास्त हो गया आपका भटनगर। तो उम्मीद पालिका क्षेत्र के सात गांव की आराध्या देवी माँ कालिंका की डोली चार दिनों की पूजा अर्चना के लिए बुधवार को पनाई सेरे में स्थित मायके के मंदिर में लाया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। मंदिर को विशेष रूप से पूर्वजों से चली आ रही परंपरा के अनुसार बुधवार को सुबह पुजारी द्वारा कालिंका के फर्श को गर्भगृह से बाहर निकालकर स्नान कराने के बाद श्रृंगार किया। शाम 4 बजे के आसपास देवी के भाई माने जाने वाले रावलनगर के राहुल देवता ढोलडमा बाजा के साथ देवी के भटनगर गांव की सीमा में स्थित मूल मंदिर में जाएंगे। वहां से अपनी बहन माँ भगवती को पनाई सिरे में स्थित मायके के मंदिर में देवी के भटनगर गांव की सीमा में स्थित मूल मंदिर में जाएंगे। यहां से वे अपनी बहन माँ भगवती को पनाई सिरे मंदिर में स्थित मायके के मंदिर में लाएंगे। तो दोस्तों, यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा राहुल देवता आ गए हैं माता कालिंका जी के सूर्यास्त गोचर भटनगर में। तो इस अवसर पे भगवती के ससुराल जाने वाले भटनगर गांव के निवासी देवी की विदाई के लिए ससुराल की सीमा तक आते हैं। वहीं मायके पक्ष के लोग बड़ी संख्या में माता कालिंका जी का स्वागत करते हैं। तो यहां पे माता कालिंका जी पनाई सेरे में पहुंच चुकी है। इसके पश्चात माता कालिंका जी की पूजा आरती पंडितों द्वारा की जाती है। तो आप यहां पे देख सकते हैं माता कालिंका जी पहुंच। पंडितों द्वारा पूजा अर्चना की आरती की जाती है माता कालिंका जी की। तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों कि यहां पे माता कालिंका जी की हो रही आरती, और इसके पश्चात यहाँ
माता कालिंका के 4 दिन के प्रवेश के बाद आज माता कालिंका जी की हो रही है विदाई। तो माता कालिंका जी आज जा रही है गौचर पनाई सिरे से अपने ससुराल गौचर भटनगर। तो यहाँ पे माता कालिंका जी की अंतिम विदाई। जन बैठिया देवी का विजय सारे ढोल बाजन बैठिया बाजन बैठिया देवी का विजय सारे ढोल बाजन बैठिया देवी का बाजन बैठिया देवी का गाने गाने जय शनिवार देर शाम अपने 4 दिवसीय प्रवेश के बाद कालिंका देवी की डोली अपने ससुराल भटनगर के लिए विदा हुई। मायके पनाई सेरे मंदिर से विदा होते समय हजारों श्रद्धांजलों की आंखें भी नम हो गई। शनिवार को भटनगर में देवी की डोली का परंपरा से स्वागत किया गया। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा माता कालिंका जी को, माता कालिंका जी के ससुराल ला गए हैं और यहाँ पे से रावल देवता चले अपने स्थान रावल नगर में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर चैनल में नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कुछ खास पार्ट लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं आपको कौन सा अच्छा पार्ट लगा। और दोस्तों आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये वीडियो काफी लेट हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि मेरे को इसे मतलब काफी एडिट करने में काफी टाइम लग गया था दोस्तों। और प्लस इसमें एक दिक्कत मेरे को ये आ गई थी, मेरे सिस्टम में आ गई थी कुछ दिक्कत, जहाँ से मैं अपनी वीडियो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। मैं 4 दिन से अपनी इस वीडियो को एडिट करने पे लगा था बट एक्सपोर्ट होने के बाद ये क्रैश हो जा रही थी। तो आज ये फाइनली मैंने एडिट कर दी है।